क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे और कैसे करेंगे, ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, टेन स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर माइनस वन कोसेक स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन टू कोसेक स्क्वायर है। नीचे हमें क्या चाहिए, कोस, नीचे हमें कोस चाहिए। वी नो डेट टेन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोई दिक्कत यहां तक। और हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोस थीटा। मतलब हमें इसको बदलना पड़ेगा, किसको, टेन को, देखो तभी तो अपॉन में कोस आ रहा है, ध्यान से देखो, और यहां पे सेक को बदलना पड़ेगा तभी तो अपॉन में कोस आ रहा है, और कोसेक को साइन में चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अभी देखो स्टेप समझो फिर क्लियर हो जाएगा। तो इस टेन स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, वन अपॉन ओ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, ध्यान से देखो इस टेन थीटा को, इस टेन थीटा को मैं ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब इस पूरे के अपॉन में इसको, इसको फिर से मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस वन, यहां तक ये चीज क्लियर है बिल्कुल। अब यहां देखो प्लस इस कोसेक को मैं वहां से क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन में पूरे में क्या है, देखो इस सेक को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो वन अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर ए, यहां तक कोई दिक्कत, सारी चीजें क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना इसको, मैं इसको ये फिर से ये कर सकता हूं साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, है ना। और देखो ध्यान से इसको, यहां पे पहले कुछ नहीं है तो इसके नीचे वन लगा के एलसीएम लिया, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो मैं ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, यहां तक सारी चीजें क्लियर है बहुत अच्छे से। ये सिर्फ हम इसको सोल्व कर रहे हैं, इस हिस्से को, सिर्फ इस हिस्से को सोल्व किया है अभी तक, ये वाला हिस्सा एच टी जी बनता हुआ है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखो वन अपॉन साइन स्क्वायर ए ऐसे ही रहा, अपॉन में पूरे के देखो एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर और अपॉन में आएगा ये, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ये स्टेप क्लियर है अच्छे से पक्का। अब देखो ध्यान से, क्या इस कोस से ये कोस कर सकता है, बिल्कुल सर कर सकता है, क्या इस साइन से ये साइन कर सकता है, बिल्कुल सर कर सकता है। अब देखो, और मैंने बताया था कि ये जाएगा सबसे ऊपर, आई बात समझ में, तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, ध्यान से समझना बेटा, बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्चुअल, देखो चार मार्क्स से क्वेश्चन कंसेप्चुअली होते हैं, आपसे ऐसे हलवा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो आपसे एकदम से हो जाए, आपको दिमाग दौड़ाना ही पड़ेगा। ये साइन स्क्वायर ए ऐसी ना, इधर से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, तो यहां से देखो क्या जा रहा है, प्लस में कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ रहा है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत यहां तक, सारे पॉइंट क्लियर है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को एच टी ऐड कर देते हैं, तो ये चीज पता है कि नहीं, अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, यहां तक क्लियर है सारे पॉइंट, बिल्कुल सर क्लियर है, मिटा दूंगी। अब देखो ध्यान से, हमें आंसर में क्या लाना है, कोस में दो लाना है, मतलब साइन को हटाना पड़ेगा। अब हमें ये पता है वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और हमें ये भी पता है कि यहां से मैं ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं बस एक इस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की जगह वन रख दो और इस साइन की जगह ये रख दो, तो देखो आंसर हो जाएगा, तो क्या आ रहा है, देखो वन अपॉन साइन की जगह में ये रख रहा हूं वन माइनस कोस स्क्वायर ए, और एक और है देखो वो अगर टेंशन लिख रहा हूं, ये तो मैंने इसके लिए लिखा इसके लिए, फिर माइनस में एक और है तो माइनस में कोस स्क्वायर ए, ठीक है, तो ये और ये मिलके कितने हो गए माइनस वन से टू,
तो आंसर क्या है, वन अपॉन वन माइनस टू कोस स्क्वायर ए, यही हमें प्रूव करना था। आई बात समझ में? क्वेश्चन को मैंने कैसे सोचा, कैसे थिंकिंग की, कैसे लाइन टू लाइन अप्रोच किया, आपको समझ में आया अच्छे से? बिल्कुल क्लियर है, नोट डाउन करो। चार नंबर का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को करने से आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। देखो, टेंथ के बाद आप इलेवन ट्वेल्थ में या तो नीट करोगे या आईआईटी करोगे। अगर आपकी आईआईटी करोगे तो ये मत सोचो कि यार इलेवन ट्वेल्थ में सीख लेंगे, नहीं सीख पाओगे। फंडामेंटल आपके यहीं से क्लियर होना चाहिए, चाहे नीट वाले ही क्यों ना हो। अगर आपको बहुत अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर करना है तो आपकी मैथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो यहीं से सीखो। ये कंसेप्ट, ये थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करेगी। ये नहीं कि सर अभी तो सिर्फ पास होने के लिए मार्क्स लाने के लिए पढ़ लेते हैं, 90% आ जाएंगे फिर कर लेंगे, नहीं। थिंकिंग एबिलिटी यहीं से आपकी डेवलप होगी। समझ में आई बात? नोट डाउन करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर किया करो, छोड़ा मत क्या करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ये, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाते हैं। नोट डाउन करो।